प्रदेश भर के लिपिकों ने वेतन विसंगति दूर करने और चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर एक बार फिर हल्ला बोला। छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी के नेतृत्व में लिपिकों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने भारी पुलिस बल की मुस्तैदी भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके लंबित मांगों को लेकर लिपिकों ने जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रदेश महामंत्री रोहित तिवारी ने चेतावनी दी कि इस बार आश्वासन के झुंझुने से लिपिक मानने व पीछे हटने वाले नहीं हैं। मांगे पूरी नहीं हुई तो आर पार की लड़ाई होगी। शनिवार को लिपिकों के दूसरे चरण के आंदोलन में संभाग स्तर पर प्रदर्शन कर वेतन विसंगति दूर करने की मांग की गई। श्री तिवारी ने कहा कि यदि इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदेश भर के लिपिक काम बंद करके बेमुद्दत हड़ताल पर चले जाएंगे। ये जो आज आप लोगों ने किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? लिपिक वेतन विसंगति की मांग को लेकर हम लोग विगत 36 साल से लड़ रहे हैं, है ना, और गवर्नमेंट ने हर बार आश्वासन देके हमारी हड़ताल को ख़त्म किया है। पिछले बार गवर्नमेंट ने जो अपना घोषणा पत्र निकाला था रमन सिंह जी ने, उसमें लिखा था कि सभी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करेंगे। आज घोषणा पत्र को 5 साल होने वाला है, फिर से इनको घोषणा पत्र निकालना है। पुरानी घोषणा पत्र के वादे अभी तक अधूरे हैं। हम लोगों ने मंत्रालय का ऐतिहासिक घेराव करके एक चेतावनी दी थी शासन को कि हमारी मांग को शीघ्र विचार करें, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी 11 मई को था, 26 मई को संभाग स्तरीय प्रदर्शन है, इसके बाद 27 जून को यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो सामूहिक अवकाश पूरा प्रदेश बंद रहेगा, और 25 जुलाई तक यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई 26 जुलाई से प्रदेश के पूरे लिपिक कामकाज ठप करके, जैसे लिपिकों का इतिहास रहा है, पहले भी लंबी हड़ताल लिपिकों ने ही की है, इस बार भी हम करके दिखा रहे हैं, और 26 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन है जिसमें पूरा बंद रहेगा। क्या लगता है बार बार के आश्वासन के बाद भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है, तो सरकार सुनना ही नहीं चाहती क्या? अब क्या है कि लिपिक साथी समझ गए हैं कि हम लोग बार बार ज्ञापन दिए, याचना किए, लेकिन अब हम लोगों ने साथियों को बोल दिया कि याचना नहीं, अब रण होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। इस बार आर पार की लड़ाई है, हम गवर्नमेंट से ये लेके ही रहेंगे। 36 साल की लड़ाई है तो क्या लगता है इस बार हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस बार हमारे पूरे प्रदेश के साथियों ने ठान लिया है कि हमारी मांग यदि पूरी नहीं होगी तो हम लोग का इसमें गवर्नमेंट को भी असर पड़ेगा, चुनाव में भी असर पड़ेगा। और हमारी माननीय रमन सिंह जी से, मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव से मांग है कि हमारी मांग शीघ्र पूर्ण करें, अन्यथा इसका खामियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा। हाँ, और अभी अभी 27 जून से एक दिवसीय है। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।